हेलो नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस मॉर्निंग न्यूज़ में मैं आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट खबरें लेकर आया हूं, और ख़ासतौर पे हम बात करें DSSB और इसके बाद एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो DSSB है, DSSB के अंदर जो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है, या मतलब कुछ ऐसे एग्जाम भी हैं जिनका भी मेडिकल नहीं हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो वो सारी प्रक्रिया सुनने में आ रहा है कि तेज कर दी गई है, और अब उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये जो भी कार्य है बहुत जल्द पूरा हो जाएगा, और हम उम्मीद भी यही लगा रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जल्द से जल्द देखने को मिले। तो फ्रेंड्स, इसके रिगार्डिंग और जो भी अपडेट होगी आप लोगों को बता दिया जाएगा। इसके बाद अभी हम बात करते हैं, जैसा आप जानते हैं कि क्रिकेट इंडिया के अंदर दिलों की धड़कन है, और आप समझ सकते हैं एक बार हम बिना खाना खाए रह सकते हैं, लेकिन बिना क्रिकेट के रहना बहुत मुश्किल है। तो ऐसा ही कुछ मैं बात करने वाला हूँ। कल इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में सेमीफाइनल मैच था, और मैच क्या परसों स्टार्ट हो गया था मैच, लेकिन बारिश के कारण मैच को डिले कर दिया गया था, दूसरे दिन गेम हुआ, और ऐसा बहुत कम देखा जाता है। अगर आप इतिहास उठा के देखें तो ऐसा 2-3 बार ही हुआ है। तो ये मतलब जो गेम था, मतलब ऐसा ही गेम था। तो इंडिया के बारे में अगर देखा जाए तो बहुत आसान लग रहा था कि बहुत आसानी से जीत मिल जाएगी, लेकिन इंडिया जो उसे जीत नहीं पाया गेम को। लेकिन सबसे पहले देखो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ, बीइंग इंडियन मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि यार हम बहुत उम्मीद लगा के बैठते हैं, और कोई भी प्लेयर है हम उनको बहुत ही उम्मीद से देखते हैं कि हाँ ये ऐसा करेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशन आपके साथ नहीं है। तो ऐसा ही जो देखने को मिला, जो गेम हुआ था, हमने बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाई कि इंडिया आराम से इसे जीत जाएगा, और फाइनल की तैयारी, जो दर्शक थे वहाँ पे सोचने लगे कि अब फाइनल देखने जाएंगे इंडिया के और जो टीम दूसरी जीतती है उसके बीच में। लेकिन पलटवार करना, और सबसे बड़ा जो कारण रहा कि इंडिया का जो टॉप ऑर्डर था वो बहुत फ्लॉप हो गया। देखो, मैं ये नहीं कहता कि कोई भी खिलाड़ी अपने मन से चाहता है कि टीम हारे, एक प्रेशर होता है, प्रेशर वो रिलीज नहीं कर पाए और इसी वजह से टीम हार गई। इसके बाद जो बड़ी चीज़ देखने को मिली, टॉप ऑर्डर इंडिया का फ्लॉप हो गया, और इसके बाद जो एक बड़ी कमी अगर हम कहें, MS धोनी जो एक अच्छे फिनिशर हैं, और कई बार ऐसा होता है कि अगर सिचुएशन खराब है, कंडीशन खराब है टीम की, तो उन्हें ऊपर भेजा जाए, तो मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत बड़ा मतलब एक गलत फैसला था। इसके लिए मैं मतलब मुझे समझ नहीं आया कि क्या उनके दिमाग में चल रहा था। अगर धोनी को ऊपर भेजा जाता तो शायद ये कंडीशन देखने को नहीं मिलती, क्योंकि एक अच्छे प्लेयर हैं वो। हालांकि लास्ट में भी गेम को जडेजा और धोनी इतने क्लोज लेके गए, किसी ने सोचा भी नहीं था, और अगर जडेजा आउट नहीं होते, इवन धोनी भी आउट नहीं होते, तो शायद गेम मतलब कुछ अलग ही कंडीशन होती। लेकिन इतना टफ गेम था नहीं जितना बन गया, लेकिन फिर भी देखो काफ़ी लोग ऐसे टारगेट कर रहे हैं प्लेयर्स को, और मतलब उनको गलत भी बोल रहे हैं, स्टेटस देखे मैंने काफ़ी लोगों के। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, वो भी इंसान है, और सबसे बड़ी बात है कि जितनी टेंशन आप लोगों को है, आपसे ज़्यादा उन लोगों को टेंशन है। हाँ, कुछ गलत फैसले हम बोल सकते हैं, लेकिन उनके दिमाग में कुछ ना कुछ अलग चल रहा होगा, कुछ ना कुछ वो अलग सोच रहे होंगे। और रही बात धोनी की, देखो धोनी से हम बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं, लेकिन फिर भी धोनी ने एक अच्छा गेम खेला, 50 रन बनाए, और देखो हम लोग ऐसे नहीं कि एक ही प्लेयर से उम्मीद करें और हम धोनी को गलत बोल रहे हैं। देखो यार, कल मैंने जो देखा, धोनी के चेहरे पर एक अलग दुख देखने को मिल रहा था, और कभी हमने उससे धोनी को हमने इतना सैड देखा नहीं, लेकिन कल जो आउट होने के बाद धोनी का फेस था वो बिल्कुल सैड था। तो देखो, गेम होता है, हार जीत होती है, तो न्यूजीलैंड ने अच्छा गेम खेला, वो जीत गया। इंडिया मतलब कुछ गलत खेला, कुछ गलत फैसले रहे, टॉप ऑर्डर इतनी बुरी तरह फ्लॉप हो गया, किसी ने उम्मीद नहीं करी थी। अगर टॉप ऑर्डर में से अगर कोई 50-60 रन की भी एक इनिंग खेलता, मतलब 3 प्लेयर में से, तो शायद कुछ और रिजल्ट होता, क्योंकि इतना बड़ा स्कोर था नहीं। लेकिन जो न्यूजीलैंड टीम है, न्यूजीलैंड टीम डिजर्व करती है, और उनको शुभकामनाएं और बैड लक फॉर इंडिया। और बात करें धोनी से उम्मीद थी कि अच्छा एक फिनिश करेंगे, लेकिन कर नहीं पाए, क्योंकि वो भी इंसान है, रन आउट हो गए, क्योंकि उनको भी एक्सपेक्ट नहीं थी कि ऐसा थ्रो मतलब डायरेक्ट लग जाएगा जाके। तो चलो कोई नहीं यार, बस यही कहना चाहता हूँ कि खेल को खेल की भावना से देखें, किसी को गलत ना बोलें,
क्योंकि प्लेयर भी इंसान है, उनसे भी गलती हो सकती है। क्योंकि हम लोग क्या है कि हम एक जीत देखने के आदी हो गए हैं, तो अगर हमें हार मिलती है तो हम बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं। तो यही है कि आप अपने प्लेयर्स की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि अगर हम इंडियन होने के बावजूद अपने इंडियन प्लेयर्स की बेइज्जती करेंगे तो हमें और पाकिस्तानियों में अंतर क्या होगा। तो यही है। और रही बात संजय मांजेकर जी ने जडेजा के बारे में कुछ बोला था, तो जडेजा ने बहुत अच्छा जवाब दिया है, और शायद जडेजा अगर अच्छा नहीं खेलता तो गेम तो पहले ही खत्म हो चुका था। तो चलो कोई नहीं यार, हार जीत होती रहती है, विनिंग एंड लूजिंग इज द पार्ट ऑफ गेम। तो कोई नहीं, तो ये सब कहते हुए मैं विदा चाहता हूँ। तो रिस्पेक्ट करें अपने प्लेयर्स की। जय हिंद।